अब देखते हैं हम मकर राशि। मकर यानी ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए केतु महाराज आपकी राशि पर बैठे हैं और जिसकी वजह से सप्तम स्थान पर राहु बैठे हैं। साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं आपको अर्थ की तकलीफ पड़ सकती है। अगर आप व्यापारी हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको आते हुए दिखाई देते हैं। शनि और मंगल का जो योग आपके धन भुवन से बन रहा है, जो धन के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पैसा अगर देंगे तो पैसे फंस जाएंगे, यह ध्यान रख के आपको काम करना है। और आवक के स्रोत जो हैं वो नए नए दिखाई देंगे लेकिन वो केवल भ्रामक सोर्स हैं, यह ध्यान रखें। संतान संबंधी चिंता में राहत मिल जाएगी, संतान का विकास और प्रगति हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए तो नए बिजनेस भी मिलेंगे लेकिन अपने पुराने बिजनेस को ही पकड़ रखना हितावह होगा। पति पत्नी का जो मतमतांतर था वह मतमतांतर दूर हो गए। कोर्ट कचहरी की जो मैटर चल रही हैं उनमें थोड़ा उठा पटक दिखाई दे रहा है लेकिन अंततोगत्वा आपका विजय निश्चित दिखाई देता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई अगर व्यक्ति मिलता है, गलत आदमी मिलता है, वह आपको कोई नई राह दिखाता है तो बिना सोचे समझे किसी के साथ जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। वाहन वगैरह खरीदने के योग इस सप्ताह में अवश्य बन रहे हैं और शायद आप खरीद भी सकते हैं। क्या करेंगे आप? तो ओम त्रयम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। भगवान शिव का यह मंत्र है, नित्य एक माला जप करेंगे अवश्य आपका यह सप्ताह अच्छा जाएगा।